हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुदेव क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। विश्लेषण संबंधी कुछ सैद्धांतिक उपकरण यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर की जो थ्योरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो है उपभोक्ता व्यवहार की धारणा यानी कि उपभोक्ता किस तरह का व्यवहार करता है। उसके बाद हम रीड करेंगे उपभोक्ता बजट, बजट क्या है, बजट समूह क्या है, बजट रेखा क्या है, इसके बारे में रीड करेंगे। देन उपभोक्ता की प्राथमिकताएं, जो हमारे कंज्यूमर है उसकी क्या क्या प्रेफरेंस रहती हैं। फिर हम करेंगे तटस्था वक्र, इसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और इसी तरह से इसकी जो विशेषताएं हैं आईसी कर्व की या इंडिफरेंस की, उसको भी हम वन बाय वन करके कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है हमारा उपभोक्ता व्यवहार की धारणा, इसके बारे में हमें समझना है। देखो, सबसे पहले उपभोक्ता कौन होता है? कोई भी व्यक्ति जो चीजों को कंज्यूम करता है वो उपभोक्ता होता है, राइट। लाइक हमें प्यास लगी है और हम क्या करते हैं, पानी को कंज्यूम कर लेते हैं, पानी को पी लेते हैं, तो हम पानी के उपभोक्ता माने जाएंगे। तो उपभोक्ता जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति हो, उपभोक्ता एक व्यक्ति भी हो सकता है, उपभोक्ता एक संस्था भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, और परिवार जो है वो भी हमारे उपभोक्ता हो सकते हैं। अब जो उपभोक्ता है उसको विवेकशील माना गया है, मीन्स वो बुद्धि से काम लेता है, बुद्धिमता से काम लेता है, सोच विचार के वो निर्णय लेता है। तो उपभोक्ता वह विवेकशील व्यक्ति होता है जो अपनी सीमित आय को वस्तु और सेवाओं पर इस प्रकार से खर्च करता है ताकि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। और हम क्या बोल सकते हैं, उपभोक्ता का व्यवहार किस तरह का होता है? उपभोक्ता व्यवहार से अभिप्राय उस विधि से है जिसके द्वारा उपभोक्ता ये चुनाव करते हैं कि वे अपनी आय को किस प्रकार से खर्च करेंगे, मीन्स अपनी सीमित आय को किस तरह से खर्च करें ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो सके। उपभोक्ता अपने आय से उपयोगिता प्राप्त करता है। उपभोक्ता अपनी आय को इस तरह से खर्च करता है कि उसे जो गिवन इनकम है, दी हुई आय है, उसको वस्तुओं और सेवाओं पर जो उनकी कीमतें हैं उनसे वो अधिकता से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो सके। अब बार बार उपयोगिता की बात आ रही है, हमें समझ लेना चाहिए कि उपयोगिता होती क्या है। तो जो हमारी यूटिलिटी है या उपयोगिता है वो क्या होती है, किसी भी वस्तु की वो शक्ति होती है जो हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, वही हमारी यूटिलिटी या उपयोगिता कहलाती है। फिर वही एग्जांपल गिवन है, मान लो हमें प्यास लगी है और पानी को पीकर हम अपनी प्यास को संतुष्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब पानी के अंदर वो शक्ति है, वो कैपेसिटी है जो हमारी प्यास को संतुष्ट कर सकती है, तो हमें पानी से उपयोगिता मिलती है। इसकी डेफिनेशन लिप्सी ने दे रखी है कि उपयोगिता वह संतुष्टि है जिसे कोई व्यक्ति उपभोग के फलस्वरूप प्राप्त करता है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिससे हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, जिससे हमें कुछ गुण प्राप्त होता है जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है, उसके अंदर उपयोगिता पाई जाती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है, संतुलन की स्थिति प्राप्त करना, यानी अपनी गिवन इनकम को इस तरह से खर्च करना ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो सके। अब यहाँ संतुलन की अवस्था की बात की गई है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होगा जब वो अपने व्यवहार को वर्तमान स्थितियों में सबसे अच्छा मानता है, मीन्स वो अपनी सीमित आय से अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है और उसमें कोई चेंजेस करना नहीं चाहता है जब तक कि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन ना हो सके। कोई परिवर्तन करना वो पसंद नहीं करता, मतलब वो जिस सिचुएशन में है उसी अवस्था को वो बेस्ट मानता है, अपनी सिचुएशंस को, अपनी परिस्थितियों को वो बदलना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर सैमुएलसन ने क्या किया है, एक डेफिनेशन दी है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय और बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। तो कुल मिलाकर एक उपभोक्ता वहीं पर संतुष्ट होगा जहां पर वो अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं करना चाहता, या फिर जब वो अपनी गिवन इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कर लेता है तो वो संतुलन की अवस्था में होता है। अब बात करते हैं उपभोक्ता बजट की, यानी कि बजट समूह क्या है, बजट रेखा क्या है, इसके बारे में स्टडी करते हैं।
तो उपभोक्ता बजट से भी प्राय उपभोक्ता की निर्धारित आय से, यानी कि जो हमारी गिवन इनकम है किसी भी व्यक्ति की या परिवार की, वो हमारे उपभोक्ता बजट से रिलेटेड है। उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए हमें ये मान लेते हैं कि उसकी एक इनकम जो है वो निश्चित है, मीन्स फिक्स इनकम है। यह भी कल्पना की जाती है कि उपभोक्ता इस निश्चित आय को दो वस्तुओं पर खर्च करता है। यहाँ पर स्टडी को सिंपल बनाने के लिए ये माना गया है कि जो हमारी निश्चित इनकम है, यानी कि जो उपभोक्ता की फिक्स इनकम है, उनको वो दो वस्तुओं पर खर्च करेगा। और उन दोनों वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो पहले से ही डिसाइडेड हैं, जिनका कि उपभोक्ता को पूरा पूरा ज्ञान है, पूरी पूरी नॉलेज है कि ये चीज़ पर्टिकुलरली इतने रुपए की है और ये चीज़ इतने की है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। अब ये मान लेते हैं कि जो उपभोक्ता का बजट है वो 60 रुपीज है, जो हमारा उपभोक्ता है उसके पास 60 रुपए हैं। अब 60 रुपए हैं और वो दो ही चीजों पर खर्च कर सकता है, दो वस्तुओं का संयोग हमने पढ़ा था, यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि जो जो उपभोक्ता है वो क्या मान के चलता है कि वो दो वस्तुओं पर ही धन खर्च करता है। तो दो वस्तुएं यहाँ पर सेब और संतरा ले रखा है, तो ये जो दो वस्तुएं हैं ना, इनके ऊपर जो उपभोक्ता है वो 60 रुपीज खर्च करता है। अब इन जो दो वस्तुओं की कीमतें हैं वो भी गिवन है, यानी कि जो सेब है वो प्रति इकाई 2 रुपीज का आता है, यानी कि अगर हमें एक सेब लेना है तो 2 रुपए खर्च करना पड़ेगा। और इसी तरह से संतरों की प्रति इकाई की कीमत 1 रुपीज है, मीन्स अगर हमें एक संतरा चाहिए तो हमें 1 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम गुड वन की यानी कि सेब की बात करें और संतरों की बात करें तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यानी कि उपभोक्ता अगर अपनी आय को इन दोनों चीजों पर खर्च करता है तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज आ सकती है, कंजप्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता के लिए उपभोग संभावनाएं कौन सी हो सकती हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो गुड वन है वो सेब है, राइट, और गुड टू जो है वो हमारा संतरा है। अब सारे के सारे पैसे संतरे पर खर्च कर दिए जाते हैं, 60 के 60 रुपीज, तो हम 60 चीजें 60 क्वांटिटी संतरे की ले सकते हैं, 60 संतरे ले सकते हैं। अब संतरे 60 लेंगे तो इसका मतलब एप्पल यानी कि सेब की मात्रा 0 ही रह जाएगी। इसी तरह से अगर मान लो हमने 10 सेब लिए तो 10 दुनी 20, 20 रुपए तो हम इस पे खर्च कर देंगे, बाकी 40 हमारे संतरे आ जाएंगे, राइट। इसी तरह से अगर मान लो हमने सेब की संख्या बढ़ानी है, सेब हमने 10 से बढ़ाकर 20 खरीदने हैं, तो 20 दूनी 40, 40 रुपीज हमें खर्च करने पड़ेंगे इसपे सेब पर, और बाकी बचे हुए 20 हम संतरे ले सकते हैं। इसी तरह से सारे के सारे अगर हमने पैसे सेब पर खर्च करने हैं तो हम 30 सेब ले सकते हैं और संतरे की क्वांटिटी हमारे पास 0 ही रह जाएगी। तो ये जो हमारी टेबल है हमने क्या मान के बनाया है कि जो बजट है ना वो 60 रुपीज ही है, 60 रुपीज से ज्यादा नहीं है, जो खर्चा करना है 60 रुपीज का ही करना है। और हमें ये भी पता है कि जो गुड वन है वो 2 रुपीज पर यूनिट आती है और जो गुड टू है वो 1 रुपीज पर यूनिट आती है। तो इसको देखते हुए हम क्या बता सकते हैं कि जो उपभोक्ता है ना अपनी सारी की सारी आय गुड वन पर भी खर्च करता है, तो अगर गुड वन पर खर्च करता है सारी इनकम तो वो 30 यूनिट्स ऑफ एप्पल खरीद सकता है। और इसके विपरीत अगर वो गुड टू पर सारा का सारा पैसा खर्च करता है तो वो 60 यूनिट ऑफ ऑरेंज खरीद सकता है। और अगर अल्टरनेटिवली लेता है, अगर वो इस कॉम्बिनेशन को लेता है तो 10 2 20, 20 रुपया खर्च करेगा एप्पल पर और बाकी वो 40 इसको ले लेगा, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है, तो इसी को बोलेंगे हम बजट समूह। अब इसको जब हम फिगर में दिखाएंगे, चित्र में दिखाएंगे, तो किस तरह से हम दिखा सकते हैं आपको, ये देखिए ओ एक्स के ऊपर हमने गुड वन ले लिया है जो कि हमारा एप्पल था, ओ वाई के ऊपर हमने गुड टू ले लिया है जो कि संतरा था। अब हमें पता है सारे के सारे हम पैसे अगर गुड टू पर खर्च कर देंगे तो हम 60 यूनिट ऑरेंज की ले सकते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से सारे के सारे एप्पल पर खर्च कर दिए जाए 60 रुपीज, तो 30 यूनिट हम एप्पल की ले सकते हैं। तो ये जो पॉइंट ए और बी मिला, अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी बजट लाइन बन जाएगी।
और बजट लाइन को ही हम क्या बोल देते हैं, प्राइस लाइन भी बोल देते हैं। और ये किस बेस पर बना रखा है हमने, जो अभी हमने टेबल करी थी, तालिका करी थी, जो जिसमें हमने माना था कि जो उपभोक्ता बजट है वो 60 रुपीज है और जो गिवन इनकम है गुड 1 की 2 रुपीज है और गुड 2 की 1 रुपीज है। अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि जो हमारी रेखा ए बी थी वो चित्र एक में जो अभी हमने पढ़ा उसको हम बजट लाइन बोलते हैं। और बजट लाइन क्या होती है, ये क्या इस जो हमारा उपभोक्ता है अपनी जो दी हुई इनकम है उससे वो कितनी चीजें खरीद पाएगा उसको शो करती है। जैसे कि उसकी गिवन इनकम 60 रुपीज है, अगर वो सारी की सारी चीजें सारे के सारे पैसे वस्तु एक पर खर्च कर देता है तो वो 30 यूनिट ले सकता है, और सारे की सारी चीजें वस्तु दो पर खर्च कर देता है तो वो 60 यूनिट खरीद सकता है। अब जो हमारी ए बी रेखा है वह अन्य संभावित संयोगों को भी खरीद सकता है, यानी कि जो इसके अलावा जो 2-3 ऑप्शन और थे उनको भी खरीद सकता है। तो इसके हर एक बिंदु पर ए और बी के कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे आपको, जो उपभोक्ता अपनी दी हुई इनकम पर एक और दो वस्तु को डिफरेंट जो हमारे गिवन बाजार कीमतें हैं उन पर खरीद सकता है। तो यहाँ पर बजट लाइन की डेफिनेशन गिवन है कि बजट लाइन वो रेखा है जो वस्तु एक और वस्तु दो के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो दिए हुए बजट और वस्तु एक और वस्तु दो की दी हुई कीमतों पर एक उपभोक्ता खरीद सकता है। बजट रेखा के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता अपनी समस्त वस्तु समस्त आय यानी कि अपनी सारी की सारी इनकम या तो वस्तु ए पर या वस्तु दो पर या दोनों के कॉम्बिनेशन पर खर्च कर सकता है। अब यहाँ पर जो हमारी प्राइस लाइन है उसके स्लोप को दिखाया गया है कि जो रेखा ए बी है वो क्या बताती है कि वस्तु बाजार में वस्तु एक की हम 30 इकाइयां और वस्तु दो की हम 60 इकाइयां खरीद सकते हैं, मीन्स दोनों बराबर है, या तो 60 रुपीज से 30 इकाइयां एप्पल ले ले या वस्तु दो से 60 इकाइयां ऑरेंज ले ले। इसलिए हम कह सकते हैं जो एक वस्तु की जो एक यूनिट है उसकी प्राइस क्या होगी, जो दूसरी वस्तु है उसकी 2 इकाइयों के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं P1/P2 यानी कि जो प्राइस है हमारी सेकंड की वो 60 है यानी कि 60 इकाइयां हम ले सकते हैं या फिर एप्पल की 30 ले सकते हैं। तो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 यानी कि कीमत रेखा वस्तु एक और वस्तु दो के बीच में कीमतों के अनुपात को बताती है, यानी कि अगर हमने एक एप्पल लेना है तो हमें 2 ऑरेंज को छोड़ना पड़ेगा। तो ये इससे पता चलता है कि वस्तु एक की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए वस्तु दो की इकाई को हमें त्याग करना पड़ेगा। अब बात करेंगे जो हमारी बजट लाइन है उसके अंदर वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं और जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं उसको क्या बोलते हैं। तो ये हमारा प्राप्य या संभाव्य, प्राप्य मीन्स जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, और अप्राप्य मीन्स जो हमारी रेंज से बाहर है, मीन्स जो अप्राप्य है वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं। तो इसको हम अटेनेबल बोलते हैं प्राप्य को, और नॉन अटेनेबल या नॉन फीसिबल बोलते हैं अप्राप्य को, जो हमारे लिए प्राप्त नहीं कर जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो हमारी बजट लाइन है उसके अंदर का जो भी पोर्शन है वो हमारे लिए फीसिबल होता है या अटेनेबल होता है, ये हमारे प्राप्य संयोग हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये 60 रुपीज के रेंज के अंदर अंदर आ जाते हैं, यानी कि जितने भी पॉइंट इस रेखा के ऊपर हैं या इस रेखा के अंदर हैं वो हमारे लिए फीसिबल माने जाएंगे। और इसी तरह से जो आउटसाइड लाइन है, ये हमारा जो शेडेड पोर्शन है, ये हमारे लिए नॉन फीसिबल या फिर नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, ये हमारे अप्राप्य सही होंगे। जैसे यहाँ पर कोई भी बिंदु आ जाता है, सी लगा लो आ जाता है या डी लगा लो आ जाता है, तो ये हमारे लिए असंभव या असंभाव्य कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहुंचने के लिए अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, जबकि हमारे पास इनकम तो हमने क्या दिखाई है कि हमारे पास तो इनकम 60 है। तो इसीलिए क्योंकि हमारी इनकम कम है, हमारी बजट लाइन पीछे है, इसलिए हम अगले कॉम्बिनेशन को नॉन फीसिबल मानते हैं। तो जो राइट साइड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये असंभाव्य संयोग है, और ये जो हमारा लेफ्ट साइड पोर्शन है ये हमारे लिए संभाव्य संयोग कहलाएंगे। इसको हम फीजिबल रीजन यानी कि संभाव्य क्षेत्र बोलते हैं,
जो इनसाइड है, और इसी तरह से जो बाहर की साइड है उसको हम नॉन फिजिबल बोलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।